हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की मैं इस वीडियो में इसकी स्टिचिंग की वीडियो को जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे दूंगी, क्योंकि मैंने सूट सिलना आपको बता दिया था। अब मैं आपको बताने वाली थी कि इसके चाक कैसे बनाने हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है फॉर बिगिनर्स कि हाउ कैन मेक द चाक ऑन सूट। ओके, तो सूट पे चाक कैसे बनाना ये समझना आपने। अगर आपने मेरी स्टिचिंग वाली वीडियो देख रखी तो आप समझ जाएंगे कि मैं चाक किसको बोलूँगी, और क्लास वाइज ही आपकी वीडियो चल रही तो आप समझ जाएंगे कि मैं अभी आपको क्या समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊँगी कि मैंने बोला था कि जो ये बॉटम था इसका नीचे का, इस पर लेस लग रही थी, ठीक है, इस पर ये लेस लग रही थी, लेकिन ये लेस मैंने उधेड़ दी थी। लेस उधेड़ने का कारण यही था कि जब लेस वाले कपड़े होते हैं या कोई बॉर्डर वाले कपड़े होते हैं तो उस पर हमको एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना होता। एक्स्ट्रा मार्जिन इसलिए लेती क्योंकि हमें इसको इसके ऊपर ही स्टिच करना पड़ता है। तो जैसे कि इसके ऊपर ऐसे करके आप स्टिच कर देंगे, सीधी सीधी सिलाई लगानी। तो सिलाई कैसे लगाओगे, पहले एक आपने ऊपर से लगानी, फिर वहाँ से घुमाते हुए आपने नीचे से सिलाई लगानी होती है, ठीक है। इस तरीके से आपका बॉर्डर रेडी हो जाता है जो आपने मेज़रमेंट लिया है। मान लीजिए आपकी लेंथ 34 है तो 34 का फ्रंट 34 ही लेंगे, यानी कि उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं ऊपर सिलाई के लिए। लेकिन जो बॉर्डर है उसके लिए कोई मार्जिन हम नहीं लेते हैं। बैक के लिए मार्जिन ज़रूर लेते हैं, बैक में 1.5 इंच का मार्जिन लेते हैं और आधा इंच के ऊपर की सिलाई के लिए लेते हैं। तो जैसे कि मार्जिन 2 इंच हो गया, तो मैंने बताया था कि नीचे भी हमारा आधा 1.5 इंच फोल्डेड में चला जाएगा और आधा इंच हमारी सिलाई में चला जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी इसके लेस लगा लीजिए, ठीक है। तो मैं इसकी लेस लगा लेती हूँ। बॉटम कैसे जोड़ना है वो बता देती हूँ। जो भी आपका बॉटम है आपने इसको इसके ऐसे ऊपर रखना है और आपने इसके ऊपर आपने लेस रखनी है, ठीक है। लेस को इस तरीके से रखना है और आपने यहाँ पर आधा आधा इंच से भी कम, बल्कि 1/4 इंच में सिलाई लगा दी। आपने यहाँ से आधा आधा इंच से भी कम ही नहीं, 1/4 इंच आपने सिलाई लगा ली कॉर्नर में। तो अब आपने अपने नीड इसको मतलब कि नीडल को सुई कपड़े के अंदर ही रहने देना है और एक सीधी सिलाई लगानी है आपने, और सिलाई रोक देनी है यहाँ पर आपने, और नीडल अपने कपड़े के अंदर ही रखिएगा, ठीक है। अब नीडल को कपड़े के अंदर रखिए, रखने के बाद इसको टर्न करिए। अब आपने यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। और एक चीज़ और बता दूँ, लेस लगाते वक्त लेस को नहीं खींचना ना कपड़े को खींचना है, ठीक है। ये ज़रूरी होता है, अगर आप लेस खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एकदम खिंचा खिंचा सा हो जाएगा। तो खींचना नहीं, नॉर्मल ऐसे रख कर ही आपने सिलाई लगानी है। अब आपने यहाँ पे सीधी सिलाई लगानी है और पक्का कर लेना। लेस लगकर रेडी है। अब आपने चाक कैसे बनाने वो बता देती हूँ। देखिए, चाक बनाने के लिए जो आपका कपड़ा है, देखिए सीधा है और मैंने इसमें लेस भी लगा ली है। अब आपने क्या करना है, इसको पलटना है। आप इसको पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए। अब चाक कैसे बनाएंगे वो बता देती हूँ। सबसे पहले आप चारों कोनों को बराबर कर लीजिए, ठीक है। चारों कोनों को बराबर करने के बाद आप चेक कर लीजिए कि कोई आपका आगे पीछे से ऊपर नीचे उठ तो नहीं रहा कपड़ा, ठीक है। अगर नहीं उठ रहा तो कोई बात नहीं, अगर ऊपर नीचे हो रहा तो कटिंग करके सीधा कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपने ये करना है। अब आपने क्या करनी है, अपनी आयरन लेनी है, यानी कि प्रेस लेनी है, और प्रेस लेने के बाद अब आपने इसको पहले अच्छे से सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद आपने यहाँ पे प्रेस करनी है बिल्कुल हल्की हल्की, ठीक है। कपड़े के अकॉर्डिंग ही आप अपने हीट रखना, इससे फिनिशिंग आती है एकदम। इसको करने के बाद अब आपने क्या करना है, जो भी आपका फिटिंग वाला माप है, यानी कि जो फिटिंग से आते हैं जहाँ पे आपकी सिलाई का एंड हो रहा है, वहाँ से आपने ऐसे करके सीधा मोड़ना है। ये एकदम सीधा होना चाहिए ऐसे करके, और यहाँ पर आपने प्रेस कर देनी है। जब आप प्रेस कर लेंगे, अब आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से एक और बारी फोल्ड करना है, ठीक है। इसको ऐसे करके फोल्ड करिए,
और आपने यहाँ पे प्रेस लगा देनी है। और एक इधर लगानी है, ठीक है, ताकि आपका कपड़ा हिले नहीं। जिस तरीके से आपने यहाँ करा ऐसे आपने उस साइड भी करना है। देखिए क्या करना, आपने यहाँ से मोड़ना है, मोड़ने के बाद आपने यहाँ पे पिन लगा देनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से डबल फोल्ड करा, पिन लगा दिया, प्रेस कर दिया इसके ऊपर। अब मैं क्या करूँगी, फिर से मैं इसको पलटूँगी, अब मेरे को क्या करना है, इसको पलटना है, इसको पलट के, ठीक है, ये हिस्सा आ गया आपका, जहाँ से सिलाई का एंड हो रहा है वहाँ से पलटूंगी इसको, जितना आपने नीचे लिया है उतना ही आप ऊपर लेंगे और सीधा कर दूंगी। आपने नीचे से भी फोल्ड करना है, उतना फोल्ड करेंगे जितना आपका फ्रंट है, ठीक है, ये फ्रंट इतना, तो इतना ही मैं फोल्ड करूँगी, ठीक है। ऐसे फोल्ड करने के बाद आप आपने नीचे यहाँ पे पिंस लगा लेनी है। देखिए चारों तरफ से आपने इसको क्लोज करने के बाद, देखिए चारों तरफ से पिंस लगाने के बाद अब आपने तुरपाई करनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जहाँ से आपने ये एंड हो रहा आपका वहाँ से थोड़ा सा आधा इंच ऊपर या एक इंच ऊपर ले लीजिए और वहाँ से आपने तुरपाई लग कर ली है। तो पहले अंदर से लेंगे, तुरपाई वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन आई बटन में भी दे दूँगी, इसमें मैंने बहुत अच्छे समझाया कि तुरपाई कैसे करते हैं। थोड़ा सा नीचे से धागा लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर से तुरपाई करते चले जाइए। अब मैंने सूट की जो है तुरपाई कर ली है, ठीक है, चारों तरफ से। और ये कुछ सूट तुरपाई होने के बाद चारों तरफ से कुछ ऐसा दिखेगा। और सूट में देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो इस तरीके से चारों चाक मोड़ते हैं और भी तुरपाई करते हैं। तुरपाई किसकी जगह करते हैं वो मैं बता देती हूँ। एक तो नेक पर तुरपाई होती है, फ्रंट और बैक पर, बट मैंने नहीं करी, मैंने सिलाई लगा रखी है, ठीक है, आप पर तुरपाई होती है, ठीक है, यहाँ पर सिलाई नहीं लगती, हमेशा उसके पीछे तुरपाई होती है। दूसरी तरफ स्लीव्स पर तुरपाई करते हैं, स्लीव्स की जो हम फोल्डेड कर देते हैं, मैंने कच्चा कर रखा है, इसमें भी कच्चा कर रखा है, इसमें भी, बस मेरे को आपको तुरपाई बतानी थी चाक की, तो वो बता दी मैंने। तो इसमें भी तुरपाई करते हैं चारों तरफ, और उसकी स्लीव्स में भी तुरपाई करते हैं, और नेक के फ्रंट और बैक में। तो आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो आपको पसंद आती है तो आपको पता है लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।